एक विषय है जिस पर हम सबको चिंतन करना ही चाहिए। अपमान जब हो जाए तो हम क्या करें। अपमान रावण ने विभीषण का किया। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। राम का किया। रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तू इससे पहले यदि शीश झुका कर आ जाता। दुर्योधन ने द्रौपदी का किया। राधा श्री लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। कर्ण ने भी द्रौपदी का किया। तुलसीदास का अपमान उसके साले ने किया। जीसस का अपमान हुआ और सोक्रेटिस का भी हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का भी कई बार हुआ। यदि हम अपमानित हैं तो मानकर चलिए कि दुनिया में सबका कभी ना कभी कोई अपमान तो होता ही है। बुरी बात है पर सत्य भी है। परिवार में अपमान हो जाता है, जहां काम करते हैं वहां हो जाता है, छोटे लोग कर देते हैं, अधिकारी कर देते हैं, पड़ोसी कर देते हैं, मित्र कर देते हैं। बड़े अधिकारी यदि शक्ति में हैं तो हमें कुछ भी कह सकते हैं, हमें पच्चीत कर सकते हैं, दूसरों के सामने कटु शब्द भी कह सकते हैं। बच्चे भी कई बार माँ बाप का अपमान कर देते हैं और माँ बाप भी बच्चों का कभी अपमान कर देते हैं। भाई बहन भी ये गलतियां कर देते हैं, दिल से कितने भी साफ हों पर अपमान करने से जिस व्यक्ति का अपमान हुआ है उस पर क्या गुजरती है। वो निराश हो जाता है, अकेलापन आता है उसमें, उसमें चिंता बढ़ जाती है, उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है, वो लोगों से दूर हो जाता है, या बदले की भावना आ जाती है, उसमें क्रोध आ जाता है, वो आक्रामक हो सकता है। बहुत ही खराब ये शस्त्र है जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपमान किसी का ना करें, किसी के दिल को ना दुखाएं, शब्दों का सही प्रयोग करें। ध्यान रखें कि मानव व्यवहार की सबसे बड़ी एक खूबी होनी चाहिए एक दूसरे का सम्मान, स्नेह, प्यार, आस्था, विश्वास। परंतु यदि हो जाए तो हम करें क्या। बदले की भावना से एकदम कोई भी कृत्य ना करें। एक व्यक्ति की गलती का दंड दूसरे को ना दें। सभी व्यक्तियों का एक जनरलाइजेशन ना करें कि ये लोग ऐसे होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने अपमान किया है उसको उत्तर देने का तरीका होना चाहिए, ये सिद्ध कर दीजिए कि वो गलत है। उसने जिस चीज के कारण आपका अपमान किया है, जिस कमी के कारण किया है, दूर कर लीजिए उसको, विश्लेषण कीजिए, कूद कर वापस आइए। समुत्थान, रेजिलियंस कहते हैं इसको। नोट करिए, लिखिए कि अपमान वास्तव में सही था। अगर सही था, कारण था, तो उसको दूर कर लीजिए। यदि उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि तुमने अपमान किया है, ऐसा नहीं करो, तो कह दीजिए। नहीं तो लंबे समय तक अपने आप को निर्मित करके सार्थक और सकारात्मक दृष्टि से सिद्ध कर दीजिए कि वो लोग गलत थे। सब लोग तारीफ करेंगे और वो लोग भी झुकेंगे जिन्होंने अपमान किया था। लिंकन का अपमान करने वाला वकील बाद में लिंकन का डिफेंस सेक्रेटरी बनता है, क्षमा मांगता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो अपमानित व्यक्ति अपने आप को संयमित रख के हर समय पर मुस्कुरा देता है दूसरों की नादानियों पर, अपनी शक्ति का क्षय नहीं होने देता, अपने आत्मविश्वास को कम नहीं करता, अनावश्यक रूप से क्रोधित भी नहीं होता, चिंतित भी नहीं होता। लोकसभा में एक बार विजयलक्ष्मी पंडित ने लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व पर बहुत ही प्रश्न उठाए और कहा कि हमें इस समय पर एक बहुत ही शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है। लाल बहादुर सुन रहे थे, आकर अपने कक्ष में बैठ गए। विजयलक्ष्मी पंडित वहां आई और कहा कि आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा। उनका कि नहीं, जो आपको सही लगा आपने कह दिया, कोई बात नहीं। ऐसे बने हम, जिसने अपमान किया है उसको तो हावी ना होने दे अपने दिमाग पर, हम उसे गुलाम ना बने। मुस्कुरा दें कि प्रभु सन्मति दे, भगवान शक्तिशाली रहें और अपना अपमान खुद कभी ना करें, अपनी आंखों से कभी ना गिरें, सम्मानित रहें, अपने विश्वास को हिलने भी ना दें। नमस्कार।